कुशेश्वर दुबे वर्सेस भारत कुकिंग कॉल लिमिटेड। इस केस में एक एम्प्लॉई फिजिकली असोल्ट कर देता है, इसीलिए कंपनी में उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग शुरू कर दी जाती है। और इसके साथ साथ एम्प्लॉई का ये केस जो है क्रिमिनल कोर्ट में भी चल रहा होता है, तो वो एम्प्लॉई ट्रायल कोर्ट के पास जाता है और अपील करता है कि उसके अगेंस्ट जो डिसिप्लिनरी एक्शन चल रहा है कंपनी में, उस पर स्टे लगा दिया जाए, क्योंकि उसका ये जो केस है ऑलरेडी क्रिमिनल कोर्ट में चल रहा है। ट्रायल कोर्ट जो है कंपनी की डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पर स्टे लगा देती है, रोक लगा देती है कि जब तक क्रिमिनल कोर्ट की जजमेंट नहीं आ जाती। कंपनी जो है वो हाई कोर्ट में अपील करती है और हाई कोर्ट जो है सेट असाइड कर देता है ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को। हाई कोर्ट ये कहता है कि उस एम्प्लॉई के अगेंस्ट डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग शुरू की जा सकती है, बेशक से वो जो केस हो वो क्रिमिनल कोर्ट में पेंडिंग भी क्यों ना पड़ा हो। तो हाई कोर्ट इस तरह से कंपनी के फेवर में डिसीजन सुनाता है। में ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में जब आता है तो सुप्रीम कोर्ट ही कहती है कि जब कोई केस जिसके फैक्ट्स सेम है, बिल्कुल सिमिलर है, और वो केस क्रिमिनल कोर्ट में भी पेंडिंग हो और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी चल रही हो, तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ऐसे केसेस में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पर स्टे लगाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि हालांकि कोई लीगल बार नहीं है कि साइमल्टेनियसली प्रोसीडिंग्स नहीं चल सकती, बिल्कुल चल सकती हैं, लेकिन अगर वो एम्प्लॉई अगर डिमांड करता है इंजंक्शन की कोर्ट से कि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग पर रोक लगा दी जाए, तो उस केसेस में डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग पर स्टे लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि ऐसे केसेस में कोर्ट को ये डिसाइड करना होगा कि क्या यहाँ पर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स को स्टे लगाया जाए या ना लगाया जाए। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट या कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है। प्रेजेंट केस में सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट के डिसीजन से एग्री नहीं करती और ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को अपहेल्ड करती है, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग पर स्टे लगाने का डिसीजन सुनाती है।